विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष, विजय तिलक, मांग रही अपना हक, विजय तिलक, जवाब हर सवाल का, विजय तिलक, हिसाब 5 साल का, विजय तिलक, फैसले का समय, चक्रवात के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रणभूमि लाइव, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी चुनाव के 6ठे दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है, हर एक अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी गुंजन दीक्षित भी मौजूद है। बिल्कुल जया, क्योंकि 6ठे दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है। आप ठीक मेरे पीछे घड़ी भी देखेंगे, घड़ी भी आपको दिखाएंगे और वो घड़ी आपको ये दिखाएगी कि किस तरीके से वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखिए स्टूडियो में आप मेरे पीछे घड़ी देख सकते हैं और घड़ी ये बता रही है कि प्रचार के लिए वक्त सिर्फ इतना ही बचा हुआ है। सुबह के 8 बज चुके हैं, यानी कि अब से ठीक 10 घंटे बाद प्रचार युद्ध बंद हो जाएगा। इस चरण में यूपी में 10 जिलों के 57 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते हुए तमाम सियासी सूरमा नजर आएंगे। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज एबीपी गंगा कर रहा है। जिन 10 जिलों की 57 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा, उन सभी जिलों में हमारे रिपोर्टर तैयार हैं। लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और सीधे रणभूमि से तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस तूफानी कवरेज के बीच हर बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की नजर लगातार बनी हुई है। 3 मार्च को मतदान होना है, लेकिन बाकी पूरे सूबे में कैसा है सियासी माहौल, राजनीति की हर हलचल अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही है, वो भी बता देते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का मौका है आज और महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ के अद्भुत दर्शन भी होंगे। स्वर्णिम आभा के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवारों पर सोने के पत्थर लगाए गए हैं। गर्भगृह में भक्त आज पूजन सामग्री नहीं ले जा सकेंगे, दूर से ही दर्शन कर पाएंगे। दूध और जल चढ़ाने के लिए अनुमति मिल चुकी है। तो आपको बता दें, काशी कॉरिडोर की अभिभूत कर देने वाले लोकार्पण के बाद अब महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ के स्वर्णिम दर्शन मिलेंगे। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह की सोने की दीवारों में चर्चा है। इस बार महाशिवरात्रि पर विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों को अद्भुत दर्शन बाबा के इस बार होंगे। तो आपको बता दें, मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर करीब 40 किलो सोना लगाया गया है। सूत्रों की माने तो सोने का दान करने वाले प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ का शिखर पहले से स्वर्ण जड़ित है, अब दीवारों पर भी स्वर्णिम आभा बिखेरी गई है। तो आज का ये दिन बहुत खास हो जाता है, महाशिवरात्रि का मौका है, लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। लेकिन सियासत के लिहाज से भी अगर देखें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी इस बार काफी महत्व है। इंतजाम है ये तो गुंजन ने बता दिया, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें क्या हैं नीतीश पांडे बताएंगे मेरे सहयोगी, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, महाशिवरात्रि का पर्व है, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की, और मैं चाहूंगी कि दिखाइए तस्वीरें, समझाइए तस्वीरें कि आज वहां पर क्या विशेष रहने वाला है। महाशिवरात्रि की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको बता दूं कि इस वक्त में जो यहां का चौथा द्वार कहा जाता है, जो वीआईपी द्वार कहा जाता है, जो ज्ञानवापी द्वार कहा जाता है, वहां पर हम मौजूद हैं। और आप देखिए यहां भक्तों की भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है। जो भक्त हैं वो बाबा की एक झलक पाने के लिए यहां पर आतुर दिखाई दे रहे हैं, भक्त बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इस बार महाशिवरात्रि खास है, खास इसलिए क्योंकि हर बार जो भक्त आते थे
वो सकरी गलियों से होकर गुजरते थे, सकरी गलियों से होकर वो वहाँ पर पहुँचते थे, मंदिर गर्भगृह तक पहुँचते थे। इस बार उन्हें विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की पूरी तस्वीर दिखाई देगी, चूँकि गंगा जी के तरफ जो द्वार बनना था वो द्वार भी अब शुरू हो चुका है, भक्तों की एंट्री उधर से भी हो रही है। और इसके साथ ही जो चार द्वार इधर से कहे कि दक्षिण तरफ और उत्तर तरफ हर तरफ से, तो ये सारे जो द्वार हैं वहाँ से एंट्री की जा रही है भक्तों की। भक्त उत्साहित होकर बाबा के जयकारे लगाते हुए यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, और हम कुछ भक्तों से बातचीत भी करना चाहेंगे। आप लोग दर्शन करने के लिए आए? जी सर। दर्शन किया आपने? अभी तक नहीं, बहुत लंबी लाइन है सर। कतार लंबी है बहुत, मतलब गंगा जी घाट से मतलब दो तीन घाट अटैच है, यही जान लीजिए आप। मन में किस तरह का उत्साह है दर्शन करने? मन में बहुत उत्साह है, आज शिव जी का दर्शन कर ले, और पहली बार आए हैं जब से ये कॉरिडोर बना हुआ है, सोच रहे थे आज दर्शन कर ले, लेकिन आप उमड़ी हुई भीड़ देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी है, दर्शन नहीं हो पा रहा है, दर्शन नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा सा इन लोगों को कष्ट जरूर है। लेकिन आपको बता दें कि तस्वीरें इस बार खास है, खास इसलिए क्योंकि पहले महाराजा रणजीत सिंह ने जब सोने का दान किया था तो उसके बाद बाबा के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया गया था। अब बाबा का गर्भगृह जो है वो भी पूरी तरह से स्वर्ण में जड़ित है, यानी गर्भगृह में भी स्वर्ण की आभा फैल रही है। तो दर्शन किया? नहीं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। लाइन में लगे? नहीं, लाइन में भी लग रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, बाबा का गर्भगृह भी पूरी तरह से स्वर्ण से जड़ित हो गया? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बहुत ही अच्छा ही दृश्य अंदर जाने का। बहुत मन में कैसी इच्छा? मन में जान ही रहे हैं, भगवान के दर्शन करने का मतलब की उत्साह है एकदम, और क्या उत्साह है। उत्साह है और बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें हैं, उत्साह वर्धक ये तस्वीरें हैं। और देखिए ये इस वक्त तस्वीरें आने लगी है सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुग्धाभिषेक करते हुए महादेव के, महाशिवरात्रि का पर्व और महाशिवरात्रि के मौके पर हर जगह उत्साह है। और अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रुद्राभिषेक की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ये सामने आ रही है गोरखपुर से, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए दुग्धाभिषेक रुद्राभिषेक करते हुए, तो रुद्राभिषेक की जो प्रक्रियाएं होती है उसे पूरा करते हुए इस वक्त शहद चढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। इससे पहले दूध से भगवान का अर्पण उन्होंने किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। तमाम तस्वीरें महाशिवरात्रि की आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन आज छठवें चरण के लिए आखिरी प्रचार का युद्ध है, तो ऐसे में रणभूमि लाइव हमारी जारी है और आपको तमाम खबरें भी दिखाएंगे। तो 10 जिले हैं और 20 रिपोर्टर हैं जो पल पल का अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। ये घड़ी भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, 9:51 का वक्त बचा हुआ है जब छठे चरण के लिए प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम जाएगा और दिन भर जो भी पल पल की अपडेट होगी वो हमारे संवाददाता लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। 20 रिपोर्टर हमारे ग्राउंड पर मौजूद हैं जो पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। खासतौर पर पूर्वांचल में इस बार चुनाव है और पूर्वांचल को साधने की कोशिश सभी पार्टियों ने की है, कई सौगातें वहां पर दी गई, चुनाव प्रचार भी वहां पर किया हुआ, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पूर्वांचल को साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ऐसे में हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे, कोई भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। तो आज थम जाएगा छठे चरण के प्रचार का शोर, छठे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। 3 मार्च को छठे चरण के लिए 10 जिलों में मतदान होना है। 57 विधानसभा सीट है जहां पर छठे चरण में वोटिंग होगी, जिसमें अंबेडकर नगर है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर, बस्ती और बलिया में मतदान होना है। लगातार यहां पर चुनाव प्रचार भी सियासी दिग्गज करते रहे हैं। आज भी जो प्रत्याशियों की ओर से प्रचार किया जाएगा उसकी एक हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। संत कबीर नगर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में भी वोटिंग होनी है। छठे चरण का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि गोरखपुर में छठे चरण में मतदान होना है, जो कि योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर सदर क्षेत्र से मैदान में है। सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उन सहयोगियों का भी तारुफ आपसे करा देती हूं। गोरखपुर से वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, बस्ती से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, वही देवरिया से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम सहयोगी इसी तरीके से पल पल का अपडेट आज दिन भर हमें देते रहेंगे। सबसे पहले वीरेश जी मैं आप ही के पास जाऊंगी क्योंकि आप गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर का रण इस बार दिलचस्प है, योगी आदित्यनाथ वहां से मैदान में है। क्या तस्वीरें आज आप देख पा रहे हैं वहां?
देखिए छठे चरण का सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है, सबसे जो बड़ा चुनावी क्षेत्र है, रण है, वो गोरखपुर शहर है, जहां से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। और चुनाव का आज प्रचार का आज आखिरी दिन है, बहुत प्रचार हुआ। कल योगी आदित्यनाथ ने अपना रोड शो किया, बहुत भीड़ थी, और साथ ही साथ आज शिवरात्रि है तो रुद्राभिषेक की प्रक्रिया भी वो कर रहे हैं। लेकिन गोरखपुर की जनता है ये जानना जरूरी है कि प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, असर भी पड़ता है, कितना पड़ता है, क्या जनता अपना मन बना के पहले से रखी रहती है कि प्रचार का, रोड शो का, भाषण का और जनसभाओं का कोई असर पड़ता है क्या? जरूर असर पड़ता है, जनसभा होती है, लोग अपने विचार रखते हैं, नेता को पहचानने की, जानने की, उसकी क्षमता का आंकलन लोग करते हैं, जनता प्रभावित होती है। लेकिन ये है कि ये मनाया जाता है, देखा जाता है कि राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर कितना विकास हुआ है, क्या सोच है, पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, ये सब सारी चीजें देखी जाती हैं। देखिए मैनिफेस्टो तक की बात कर रही है गोरखपुर की जनता, और पूर्वांचल में गोरखपुर और वाराणसी दो ऐसा स्थल है जहां की जनता बहुत ज्यादा राजनैतिक तौर पर जागरूक मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि इस पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में जो पूर्वांचल है, राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक माना जाता है। एक नौजवान से भी बात कर लेंगे, बताइए भाई साहब, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, अखिलेश जी आए, योगी जी का रोड शो हुआ, बड़े बड़े नेता है, क्या हुआ यहाँ, कितना असर पड़ेगा, और आज प्रचार के आखिरी दिन में क्या क्या होने वाला है हर पार्टी की तरफ से? देखिए इस बार चुनाव बेरोजगारी पे हो रहा है, महंगाई पे हो रहा है, इस बार नौजवानों को नौकरी की बात है, इसी मुद्दे पे चुनाव होगा और विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, यही मुख्य मुद्दे हैं। जनता मन बना चुकी है, बदलाव तय है। बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर होगा और महंगाई पर होगा, भाई बेरोजगारी, महंगाई और विकास पे भी तो होगा। आज गोरखपुर में मैं खड़ा हूँ तो गोरखपुर में कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, इस पर भी मुद्दा होगा, और मुख्यमंत्री खड़े हैं जी भाई साहब, जैसा कि ये बोले हैं विकास पर चुनाव होगा, तो निश्चित तौर पे विकास पर चुनाव होगा। महाराज जी का विकास सबको दिखाई ही दे रहा है, हमारे यहाँ खाद कारखाना खुला, चाहे एम्स खुला, ये विकास ही ना है, इससे रोजगार नहीं बढ़ा है। जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर कभी भैंस चरा करती थी, ये सब जो दिखाई दे रहा है सब महाराज जी का ही किया करा है। रामगढ़ताल है और रामगढ़ताल के बगल में ये जितना विकास हुआ है ये सब महाराज जी का ही किया कराया है। इसी विकास पर महाराज जी 3 लाख वोट से विजयी होंगे, 3 लाख वोट से, इन्होंने तो फैसला भी कर दिया। देखिए जहाँ तक की महाराज जी की बात है, महाराज जी को गोरखपुर की जनता ने, जब से महाराज जी राजनीति में आए तब से गोरखपुर की जनता ने उनको सांसद बनाया, उनका हम विधायक बनाया, और गोरखपुर की जनता ने महापौर बनाया, सभी गोरखपुर की जनता ने दिया, तो महाराज जी क्या किए? महाराज लोग ये तो कह रहे हैं कि नौकायन और तमाम रामगढ़ता, जब से यहाँ गोरखपुर की जनता उनको बनाई, उसके बाद उनका ये एहसान तो नहीं किए ना, गोरखपुर की जनता भी तो उनको बनाई है, चाहे विधायक उनका हो चाहे महापौर। तो भाई कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, चुनाव लड़ेगा और लड़ेगा। क्या प्रश्न पूछा आपने? आपने ये इतना वक्त नहीं मिलता है गुरुजी विकास के लिए। बिल्कुल वीरेश जी, लौटेंगे आपके पास, और देखिए लोगों में उत्साह है, थोड़ी नाराजगी भी वहां पर दिखाई दे रही है। तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं, बलिया से सनुज भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सनुज अब आपका ही रुख करूंगी क्योंकि छठवें चरण का अंतिम प्रचार युद्ध आज है। बलिया में कौन कौन मौजूद होगा, किन किन दिग्गजों के कार्यक्रम है, क्या वहां की तस्वीरें हैं? देखिए बलिया पर सबकी नजरें टिकी हुई है, और छठे चरण में जो यहाँ चुनाव होने जा रहा है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर बलिया क्या करने जा रहा है। बागी बलिया के रूप में बलिया की अपनी अलग पहचान है, मंगल पांडे जी यहाँ से रहे हैं, और भृगु ऋषियों ने जो भृगु संहिता यहाँ से ही लिखी थी। तमाम दिग्गज यहाँ पर आज आ रहे हैं, और जो जनता है वो भी मन बना चुकी है। कल प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पर, जिस तरीके से वो बलिया की आत्मा को उन्होंने छूने का काम किया, हर मुद्दे को, हर सरकार की योजना को छूने का काम किया, इसको लेकर जो अब मतदाता है वो क्या सोच रहे हैं, चूंकि आज शाम को चुनावी शोर थम जाएगा और जो तमाम प्रत्याशी हैं वो पूरी ताकत झोंकेंगे, ये कोशिश करेंगे कि बलिया की हवा उनके पक्ष में बन जाए। वो कब बनेगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं ये हम एक बार उनसे बात कर लेते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा कि बलिया की बात करें तो बलिया कैसे, क्या मुद्दे जिसको लेकर आप परसों को वोट करने जाएंगे? सर जी बलिया की जो विकास की मुद्दा, सबसे बड़ी मुद्दा है विकास की मुद्दा। पार्टी हमारे यहाँ से इसके पहले सपा की सरकार थी जिसमें कि 4-4 मंत्रियां थे, लेकिन विकास के नाम पे 0 रहा। उसके बाद ये भाजपा की सरकार है, यहाँ भी हमारे यहाँ 2-2 मंत्रियां रहे लेकिन विकास के नाम पे 0 रहा। आज भी कोई बलिया का विकास नहीं है, जबकि यहाँ से हर बार जिस सरकार की मंत्री तक बनते हैं
सपा सरकार में चार चार मंत्री थे, लेकिन विकास किसी ने कुछ भी नहीं किया। विकास किसी ने कुछ नहीं किया, बाबा आप बता दीजिए। हाँ, हम कोई पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, हमारा यही लक्ष्य है कि अंग्रेज के जाने के बाद हमारे भारत माता की झंडा लहराने वाला भारतीय जनता पार्टी है। इस पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर विदेशी के हुकूमत हो जाएगी, और विदेशी हुकूमत हो जाएगी तो इस देश पर दूसरा देश शासन करेगा। इसलिए मैं यह बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, और मैं यही आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान दे करके भारत माता की मर्यादा बचाएं। ठीक है सर, आपसे बिल्कुल सनोज, अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लोगों का सोचना है, और इन्हीं मुद्दों पर इस बार मतदान भी होगा। 2017 में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, हालांकि इंतजार करना होगा कि इस बार वहां की जनता फैसला क्या करती है। चलिए बस्ती का रुख करते हैं, रतीश त्रिवेदी हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। रतीश, बस्ती में तो 2017 में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और इस बार चुनौती भी है कि एक बार फिर से जो जीत 17 में हुई थी वो 22 में भी हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बस्ती में जो माहौल है 2017 का जो माहौल था, 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और कमल खिल गया था, और इस बार भी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के नेता यही जता रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव का बिल्कुल जोर लगाए हुए हैं कि इस बार यहां पर सेंधमारी कर दी जाए और साइकिल को रफ्तार दी जाए। हमारे साथ बस्ती सदर के जो विधायक हैं दयाराम चौधरी जी, उनसे वो हैं हमारे साथ, और सुबह से ही उनके घर में कार्यकर्ताओं का मजमा लगा हुआ। आज महाशिवरात्रि का दिन है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, क्या मुद्दे रहेंगे आज, और आखिरी दिन है आज प्रचार का, क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि का दिन है। मैं बस्ती सदर विधानसभा के साथ साथ जनपद वासियों को भी और प्रदेश देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो हमारा दिन है वो चुनाव का आखिरी दिन है, और आज के बाद चुनाव बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो अपना कार्यक्रम बनाया है वो 2 बजे से बस्ती एक छोर से शास्त्री चौक से लेकर के और मारवाड़ी मंदिर तक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। आज जनता के भी जब आप जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है, प्रचार थम जाएगा? जी देखिए, मुद्दे तो ऐसे 2017 में सरकार बनने के बाद, और जब मुझे यहाँ का सेवा करने का अवसर यहाँ के लोगों ने दिया, तो तभी से मैं लगातार इस विधानसभा को विकसित करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी सड़कों को सुंदर करने के लिए, यहाँ बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए, यहाँ के किसानों को अच्छा अपना, चूंकि ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों को गन्ने का वाजिब दाम मिले, उसको मिल चलवाने के लिए, इन सारे कार्यों को, सड़कों का जाल बिछा करके मैंने एक आवागमन की सुविधा के साथ साथ बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया है। मैंने सड़कों का जाल बिछाया है, मैंने एक तकनीकी शिक्षा की ITI। बिल्कुल रतीश, कई सारे मुद्दे हैं और कई सारा काम भी हुआ है जिस तरीके से आपके आसपास के लोग बता रहे हैं। ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, विवेक आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस घड़ी पर नजर घुमाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वक्त सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, 9 घंटे 41 मिनट का वक्त बचा हुआ है। उसके बाद छठे चरण का प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। 57 सीटें हैं कुल मिलाकर, और 57 सीटों से लगातार हमारे संवाददाता हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। छठे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, और उसके लिए कुछ घंटे बचे हुए हैं, और ये घंटे, ये घड़ी यहां लगी हुई दिखा रही है, 9 घंटे 36 मिनट बचा हुआ है। काउंटडाउन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों में हमारे संवाददाता मौजूद है जो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी देवरिया से भी बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, देवरिया के समीकरण को अगर समझे तो 7 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन आज जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं, और क्या कह रही है वहां की जनता? बिल्कुल, 7 में से 6 सीटों में चुनौती वही है कि किस तरह से 7 सीटें जीती जाए। सिर्फ एक सीट भाटपार रानी समाजवादी पार्टी के पास है, और पिछली बार यानी 2012 में भी समाजवादी पार्टी जीती थी। यहाँ से 2 विधायक मंत्री भी हैं, यानी पथरदेवा से सूर्य प्रताप शाही मंत्री हैं, तो रुद्रपुर से निषाद मंत्री हैं। तो देवरिया खास है, और खास इस शहर खास में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर सिंह। साहब बताइए कि देवरिया में क्या खास है और चुनावी मुद्दे क्या है? बहुत कुछ खास है, मेडिकल कॉलेज हम लोग यहाँ बन गया, सारा रोड सही है, हम लोग योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और हमारे पूरे देवरिया की जनता इस बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और एक खास बात और है कि यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं, चूँकि भाजपा को जिताने के लिए, तो हमारे साथ कुछ बाहर से लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ, मेरा नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। यहाँ किसको जिताने आए?
मैं भाजपा प्रत्याशी शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ जी के साथ? हाँ। आपके साथ वो पीछे खली भी दिख रहे हैं, ये क्या नाम है आपका? विशाल शुक्ला जी। ये आप दूसरे खली, मतलब डुप्लीकेट खली? धन्यवाद। खली की स्टाइल है वही अपनाई है या कुछ खास अलग? बस खास बिल्कुल नहीं। देखिए ये दिन भर ये उत्साह बना रहेगा क्योंकि आज अंतिम प्रचार युद्ध है और ग्राउंड पर जो हलचल होगी वो दिन भर आप लोगों के जरिए हम दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बिल्कुल जया, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं जो लगातार हमें अपडेट भी दे रहे हैं और लगातार हम काउंटडाउन भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक बढ़ रही है वैसे वैसे नेताओं के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं क्योंकि समय इतना ही बचता है। छठे चरण का प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। लगातार रणभूमि लाइव हम आपको दिखाते रहेंगे, एक एक अपडेट चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।